निखिल, अरे काय करतोय? वैसे ये निखिल है, आपको बताए वीडियोग्राफर हमेशा कैमरा के पीछे रहता है, आउटडोर जब हम जाते हैं हमेशा सब जगह पे फोटोज बहुत निकालता है। यस, ही इज अ वेरी वेरी गुड फोटोग्राफर। वैसे स्मार्टफोन फोटोग्राफी का वीडियो है तो मैंने कहा इससे कुछ पूछ ले। 3 या 4 बेसिक चीजें क्या होती है जब तुम कंपोज करते हो एक फोटो तुम्हारे स्मार्टफोन के ऊपर, क्या क्या चीजें करते हो? सबसे पहले तो अपनी जो लेंस है उसे क्लीन करना होता है। हमेशा पॉकेट में वगैरह डालते हैं तो मैं हमेशा कैमरा की लेंस करता हूँ, पर जो मोबाइल फोटोग्राफी करेंगे उनको याद रखना है कि पहले लेंस क्लीन करनी है। ओके, आफ्टर दैट कंपोज कैसे करते हो? उसके बाद एक्सपोजर ओके, अंडर ओवर, वो कैसे चेंज करना है? लेकिन एक्सपोजर कम ज्यादा पता कैसे चलेगा? स्क्रीन पे देख के अगर आप फोटो खींचते हो, फोन में ऐसा है कि अगर आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे टच करते हो तो फोन वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ओके, तो जो मेन सब्जेक्ट है उसका एक्सपोजर हमें देखना है कि भाई वो क्लियर है या, क्योंकि एक्सपोजर अगर बराबर नहीं होगा तो फोटो ही खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। ओके, तीसरी चीज फोकस। ओके, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो लेंस क्लीन करना है, सेकंड एक्सपोजर, थर्ड फोकस। अब फोकस में कैसे लाना है? सब कैमरा का अलग है, फोन का अलग है। फोन में अगर आपको फोकस पे कोई रखना है, अगर मैं आपको लेता हूँ और दूसरा कोई बंदा है, अगर वो दूसरे बंदे का फोकस ऑटोमेटिक ले रहा है, अगर मुझे आपका फोकस चाहिए तो मैं यहाँ पे टैप करके होल्ड करता हूँ तो वो वहाँ पे आपके फेस पे लॉक हो जाता है। तो बेसिकली स्मार्टफोन फोटोग्राफी में जनरली जो भी सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट, उसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस कीजिए ताकि वो फोकस लॉक हो जाए और उसके बाद में फोटो निकालिए। सो फोकस, एक्सपोजर एंड क्लीनिंग ऑफ लेंस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? बेसिक चीजें जो होती है उसमें से कोई नहीं, शुरुआत में इतना सीख लो। हाँ, हो गया। इससे भी बहुत सारे जो फोटोज खराब आते हैं वो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी एडवांस चीजें भी बताने वाले हैं, तो याद से एंड तक देखिए। ट्रस्ट मी, ये वीडियो पूरा होने के बाद दोस्तों आप नियरली एक प्रो हो जाओगे स्मार्टफोन फोटोग्राफी। अब दोस्तों हम जो टिप्स बात करने वाले हैं ये बेसिकली जो स्पेसिफिक एक फोटोज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेचर का आप फोटो निकाल रहे हो, लैंडस्केप निकाल रहे हो, या बहुत सारा ग्रुप फोटोज निकाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाई रेजोल्यूशन, मतलब नेटिव रेजोल्यूशन जो होता है उस पे निकालिए। क्या होता है फॉर एग्जाम्पल 48 मेगापिक्सल, 64, 108 मेगापिक्सल, जब ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा चीजें होती है उस फ्रेम के अंदर, तो आपको डिटेल्स लगते हैं। जनरली अभी तो पिक्सल बिनिंग करते हैं, इवन इफ इट इज 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल के ही फोटो निकलते हैं। आप प्रॉपर नेटिव रेजोल्यूशन में निकाल, नेटिव रेजोल्यूशन में फोटो निकालने का और एक फायदा होता है कि जो हम माइक्रो निकालते हैं, मैक्रो, आजकल तो डेडिकेटेड सेंसर्स होते हैं, लेकिन 2 मेगापिक्सल वो तो उसमें उतनी डिटेल्स या क्वालिटी कभी कभी नहीं आती। तो नेटिव पे निकाल के अपन उसको जूम करेंगे तो वो डिटेल जो पूरे, तो ये कह रहा है कि बड़ा फोटो निकालो ओरिजिनल रेजोल्यूशन में, एंड देन जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसके ऊपर जूम करके क्रॉप कीजिए, दैट विल कम आउट बेटर, वो ट्राई कर सकते हो आप। सो नेटिव रेजोल्यूशन में शूट करने के मल्टीपल फायदे होते हैं। अब दोस्तों और एक चीज, अल्ट्रावाइड फोटोज या फिर डेडिकेटेड सेंसर्स आ गए हैं। अल्ट्रावाइड तो नियरली मिड रेंज में भी, बजट रेंज में भी होते हैं, लेकिन एक बात कहूं, कलर शिफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट फोटोज आते हैं अगर अल्ट्रावाइड सेंसर से आप निकालते हो तो। एक उसमें बहुत बड़ा फायदा है, एक चीज जो आप कर सकते हो, कंप्लीटली स्किप अल्ट्रावाइड सेंसर, आप मेन सेंसर से पैनारोमिक फोटो निकालिए। जी हाँ, पैनारोमा के पास हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियोज में नहीं कहते, लोग भी ज्यादा इग्नोर करते हैं उसे, बट अगर आप निकालोगे मेन सेंसर से पैनारोमा और जितना चाहिए आपको लैंडस्केप उतना क्रॉप कीजिए, कट कीजिए, That will be better, क्योंकि वो main sensor से निकला हुआ है। और एक चीज सर, हाँ, AI, artificial intelligence, आजकल वो मोड तो सभी में आ गए, AI मोड, क्या होता है उससे? पर use नहीं करते कोई लोग। हाँ। उससे क्या होता है कि अगर आप कोई फोटो निकाल रहे हो और आपका AI ऑन है तो वो जो फोटो है वो सामने का जो सीन है आपका, हाँ, वो डिटेक्ट करके आपको उसके हिसाब से कलर इनहांस करके फोटो को आपके अच्छे से क्लीन करके प्रोसेस करके वो देता है। बेसिकली क्या है, AI में आपका दिमाग नहीं लगाना है, सीधा जो फोन है ना, फोन का कैमरा है, वो दिमाग लगाएगा, एल्गोरिदम से टेस्ट करेगा कि भाई लैंडस्केप है, इसमें ज्यादा ग्रीन है, इसमें ज्यादा रेड है, तो ये सेटिंग्स करो और फोटो निकालो। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बेसिकली AI मोड ऑन कीजिए अगर यू आर अनश्योर कि भाई कैसे निकालना है फोटोज, AI इज अ लाइफ सेवर। लेकिन ये हो गया AI के लिए, लेकिन मैं कहूं अगर आपको सीरियसली जबरदस्त फोटोज निकालने, प्रो मोड सीख लीजिए, ट्राई कीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ISO, aperture, ये सब चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया है, तो वो जाके देखिएगा, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। प्रो मोड से भी ज्यादा रॉ मोड में आप शूट करना ट्राई कीजिए, स्टोरेज स्पेस ज्यादा जाएगी आपके फोन की, लेकिन उस फोन में आप पोस्ट प्रोसेसिंग जो कर पाओगे ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल, और फोटोज ऐसे लगेंगे ही नहीं कि स्मार्टफोन कैमरा से आए हुए, ऐसे लगेंगे कि प्रोफेशनल आए। जी हाँ,
एडिटिंग आपको थोड़ी बहुत करनी होगी। वैसे मैं लाइट रूम के बारे में भी इधर कहना चाहूंगा, लाइट रूम जो है ना हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लगता है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नहीं दोस्तों, बहुत सारे लाइट रूम के प्रीसेट्स अवेलेबल है, वो कीजिए। इनफैक्ट मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन प्रीसेट्स के पास जाके देखिए, वो इंस्टॉल कीजिए लाइट रूम के साथ में और अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे। आप जब वो पोस्ट प्रोसेसिंग में जब आप प्रीसेट्स अप्लाई करके देखोगे ना, वाओ, दोस फोटोग्राफ्स विल बी एब्सोल्युटली सोशल मीडिया वर्दी। लोग कहेंगे कि भाई फोटोग्राफर बन गए। अब दोस्तों बात करते हैं लो लाइट या फिर एकदम नाइट फोटोग्राफी के बारे में। तो क्या कहोगे, व्हाट आर द बेसिक्स? निखिल क्या निकाल रहे हो भाई तुम? ओके ओके ओके, रात में अगर फोटोज निकालने हैं, लो लाइट में निकालने हैं, क्या करना चाहिए? अभी रात में अगर फोटो निकालना है फोन से, फोन को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। राइट राइट, क्योंकि वो जब नाइट में फोटो निकालते हैं तो वो कैमरा को वो आगे का सीन है वो अंधेरे में इन डिटेल्स दिखा, वो शटर स्पीड, क्योंकि ज्यादा लाइट आने के लिए शटर स्पीड लो होता है, तो थोड़ा भी हिलेगा तो शिफ्ट हो जाएगा। कोशिश करिए कि फोन को ट्राइपॉड पे स्टेबल करके फिर आप फोटो क्लिक, ट्राइपॉड नहीं होगा तो कहीं पे भी ऐसे रख दीजिए। बेसिकली जब आप लो लाइट में फोटो निकालोगे, आपके हाथ में स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, स्टील जगह पे रखिए या ट्राइपॉड पे रखिए। और कुछ? और एक प्रो टिप देता हूँ। ओके, बहुत बड़ी प्रो टिप। ओके ओके, जब भी आप नाइट मोड में फोटो निकाल रहे हो, ट्राइपॉड पे है, ट्राइपॉड पे है कैमरा, हाँ, तो आप टाइमर ऑन करके फोटो निकालो। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप ट्राइपॉड पे रख के भी अगर क्लिक करते हो, हाँ, तो हल्का सा शेक होता है, पता नहीं चलता। हाँ, टच से, वो टच से, तो 3 सेकंड का जो टाइमर होगा वो लगा दीजिए और निकालिए। सो दैट्स रियली प्रो से भी प्रो टिप है। तो टाइमर एंड आपका जो स्मार्टफोन है वो स्टेबल होना चाहिए, ये दो चीजें, एंड लो लाइट फोटोग्राफी विल बी नेक्स्ट लेवल। वैसे दोस्तों आजकल नाइट मोड भी आ गए हैं, उसके लिए भी सोल्यूशन निकाल दिया है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो नाइट मोड है। अब नाइट मोड अलग अलग तरीके से अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स इंप्लीमेंट करते हैं, बट बेसिकली अलग अलग फोटोज निकालते हैं, स्टैक अप करते हैं एंड देन ब्राइटन अप करते हैं। तो जिधर शेडोज ज्यादा है उधर थोड़ा ब्राइटन अप करेंगे, जहां पे थोड़ा ब्राइट है वो कम करेंगे, डायनामिक रेंज बढ़ाएंगे, तो वो एल्गोरिदम से होता है नाइट मोड। और अगर HDR मोड के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि हमेशा HDR मोड जो है वो आप ऑटो पे रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैनुअल में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, लाइटिंग कंडीशंस होते हैं, उस हिसाब से लेट द कैमरा, स्मार्टफोन कैमरा डिसाइड कि भाई कैसे लेना है। एंड फाइनली दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप फोटो निकाल रहे हो तो एक फीचर ऑन रखिए, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो बीच में ऊपर होना चाहिए, बेसिकली दैट इज द राइट हिस्टोग्राम। अगर साइड में पीक्स हो रहे हैं देन दैट इज नॉट राइट। तो हिस्टोग्राम से आपको पता चल रहा है ओवरऑल फोटो कैसे निकल रहा है, तो वो फीचर हमेशा ऑन रखिए। और प्रो मोड में अगर खींच रहे हो तो फोकस पीकिंग, आपकी जो सब्जेक्ट होता है वो एग्जैक्टली फोकस में आता है और उसे हाई, वो जो सब्जेक्ट होता है वो हाईलाइट होता है, तो फोकस पीकिंग जो है वो ट्राई कीजिए। बहुत ही क्रिएटिव फोटोज आप निकाल पाओगे अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस करने से, एंड प्रो मोड में आप मैन्युअली फोकस कर पाते हो, सो दैट इज वेरी गुड, ट्राई दैट। दोस्तों ये फोटोग्राफी टिप्स थे। वैसे एक बोनस आपको दे देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियोग्राफी के बारे में, और वीडियोग्राफी का एक अलग से वीडियो आ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियोग्राफी में दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है कि लो लाइट में हम वीडियोस निकालते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रेनी और खराब आते हैं। क्यों होता है पता है? जनरली जो फ्रेम रेट होता है ना वो 60 FPS वैसे ही डिफॉल्ट रख देते हैं। आप फ्रेम रेट जो है कम कीजिए, 30 या 24 FPS कीजिए, देखिए ज्यादा ब्राइट और अच्छे वीडियोस आपके आएंगे। 60 FPS में मतलब लाइट कम आ जाता है हर फ्रेम के लिए, तो थोड़े डार्क आ जाते हैं, ट्राई दैट आउट। ये फोटोग्राफी का वीडियो है, लेकिन मैंने कहा है एक आपको बोनस टिप भी दे दूं। और हाँ, मेरी तरफ से एक बोनस टिप। बोनस टिप क्या है? फोटोग्राफी वीडियो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम न्यूज करते हैं, हाँ, तो न्यूज के टाइम पे हम सर के मल्टीपल फोटोज निकालते हैं थंबनेल के लिए। यस, तो आपको भी यही बताना चाहूंगा कि हाँ, आप भी मल्टीपल जितना हो सके उतने फोटोज निकालो। सो इसका कहना यह है कि भाई आपको कोई फोटो अच्छा भी लगा तो भी मल्टीपल फोटोज निकालिए, जितना टाइम है उतने फोटोज निकालिए, ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं, डिलीट कर सकते हैं बाद में, जो भी अच्छा है वो रखिए, बाकी के सब डिलीट कीजिए। स्मार्टफोन फोटोग्राफी के साथ वो बहुत बड़ा फायदा हो गया। चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो था इसी फोटोग्राफी टिप्स के बारे में था। वैसे कैसे लगा? अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, निखिल के नाम पे तो एक लाइक बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ। एकदम एकदम।